सो फाइनली आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस वन। तो जय श्री राम दोस्तों। सो अयोध्या में आने के बाद 2024 में अयोध्या में आने के बाद ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है अयोध्या का। सो क्विक अपडेट दूंगा मैं आपको गुप्तार घाट की। जी हाँ, पहले भी मैंने बना रखी काफ़ी सारी वीडियोस, पर ये आपका क्विक अपडेट होगा। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको पचमुखी महादेव जी का मंदिर मिलेगा। उसके बाद से आपको यहाँ पे देखो दो रास्ते मिल जाते हैं। एक तो ये जाता है वहाँ पे मरे माता मंदिर, और एक ये रास्ता जा रहा है जो आपको गुप्तार घाट की साइड ले जाएगा। अभी हम यहाँ से चलेंगे, आपको दिखाएंगे कैसा होने वाला सब कुछ। तो दोस्तों हम आपको पहले यहाँ लेके चलेंगे, इधर से आपको क्विक अपडेट दे देंगे। सबसे पहले आपको दिखाएंगे यहाँ पे मंदिर है एक और वो, फिर देन हम आपको गुप्तार घाट लेके चलेंगे। और हमारे साथ आज भाई राजा भाई भी है, तो साथ ही साथ ही आज हमें यहाँ का टूर कराने वाले, तो बस आपको चल के साथ में दिखाते हैं कैसा सब कुछ होने वाला है। चले भाई, लोगों ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, साथ ही साथ चल रहे हैं, दिखाते हैं। गाइस इस तरफ पचमुखी हनुमान जी का मंदिर है वो आप देख सकते हो, सो वहाँ पे भी दर्शन करेंगे भाई साहब। यहाँ पे ना अभी बताता है क्या हो रहा है, वो देख रहे हो ना, अभी हम बताएंगे क्या हो रहा है। तो दोस्तों अभी जो वहाँ पे भीड़ देखी है आपने, वहाँ पे ना क्या हो, फ्री हेलमेट बट रहा है। कोई नई कंपनी आई है तो ऐसा सेफ्टी के पर्पज से अपना एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में वो ना लोगों को फ्री हेलमेट भी बांट रही है। तो चल के देखते हैं कितनी भीड़ लगी है। और साथ ही साथ में ये देखो, ये पार्क देख रहे हो आप, ये नया पार्क खुला है। इसकी ना एंट्री फीस 10 रुपये, एक इधर से भी है और एक उधर से भी एंट्री, बाकी आपको पड़ेगा ये मेन चौराहे पे पड़ेगा, और इस साइड ना आपका कंपनी गार्डन हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, पहले हेलमेट का सीन देखते हैं क्या सीन है, जल्दी से दिखाते हैं फिर आगे चलते हैं। पहले गेट की एंट्री है, देखो यहाँ से है ओपन जिम सब कुछ है। यहाँ से गेट की एंट्री है, जस्ट घाट के सामने से आपको मिल जाएगी। सामने खाने पीने के काफ़ी सारे, एक रेस्टोरेंट टाइप अगर से देख लो, रेस्टोरेंट टाइप के हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के बढ़िया खा सकते हो। और ये मेन घाट पे जाने का रास्ता, सो फाइनली गुप्तार घाट पे आ गए। देखो क्विक अपडेट बताऊँ, पिछली बार ये नहीं था, ये सब नया बना है सब कुछ। और साथ ही साथ एक ये राम मंदिर की एक झलक बनाई है इन्होंने यहाँ घाट पे, गुप्तार घाट पे, जो कि सब कुछ बालू से बनाई है इन्होंने। भाई साहब देख रहे हो, बालू से सब कुछ, बालू से है ना राजा भाई। देखो राम लाला जी की, अद्भुत है भाई, अद्भुत। सो गाइस आप भी आते तो देखो आपको कितना अच्छा प्रिटी व्यू मिलेगा। अब तो ये बन गया है, इसमें और भी अच्छा, आप नदी किनारे जस्ट जा सकते हो। काफ़ी सारे लोग देखो आए, फोटो खिंचा रहे हैं भाई साहब, वीडियो बना रहे हैं, ऐसे आगे तक गया है वो पूरा व्यू। चेक करो पहले तो, आपको हम एक जगह चल के दिखाने वाले हैं, वो देखो उस पर चलते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं पहली बार कैसे भाई साहब आ रही है, वो डरते डरते आ रही है वो देखो। हाँ इधर चले, इस तरह से चलते हैं। ओ फाइनली मोटर बोट मैं जा रहा हूँ बस। राजा भाई तो पीछे रह गए, मस्त लग रहा है। धीरे 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 बीचों बीच में डर लग रहा है यार, इसे कट लेते हैं। ओ भाई यहाँ से कट ले, ना भी नहीं आता ना। हम लोगों को भाई तारना अरना आता नहीं, इसलिए हम कट लिए वापस। अरे राजा भाई भाई साहब मस्त था, पर जो भी था। तो इस घाट की एक खास बात ये भी है कि आप सबको पता है कि जो रामलला का जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था मेन, बट जब उन्होंने जल समाधि ली और जल मग्न हुए जब, तो वो इस घाट पे हुए, इसलिए इस घाट का नाम इन्होंने गुप्तार घाट रखा है।
और अगर आपको ब्रीफ में देखना है ना, तो मैंने सबसे पहले यहाँ की गुप्तार घाट की वीडियो बनाई प्रॉपर 20 मिनट की, उसमें सब कुछ बताया। इसमें तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्विक अपडेट दूंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं छोटे छोटे, बस बाकी चलो फटाफट से वो भी दिखा देते हैं। अरे लड़की दिखाई ना, वो भाई साहब बिना रुके हुए चली जा रही इतनी स्पीड में विमेंस। साइड में आपको महाराणा प्रताप जी की मूर्ति भी देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर है। बट अभी ऐसा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा अभी ऐसा ऊपर नीचे हो रखा है, वरना बहुत अच्छा बना रखे हैं, बहुत अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। वो देखो यहाँ पे ना मोटर बोट की भी आपको फैसिलिटी दी जाएगी, ये देख सकते हो। ये इसका प्राइस भी थोड़ा कितना बता रहे हो आप? 300-350 के आसपास का इसका प्राइस है, लेकिन यार इसको भी एक बार एक्सपीरियंस करना बनता है। बाकी ऐसी कलाकृति आपको हर जगह देखने को मिलेगी। भाई साहब दूल्हे साहब भी आए हैं, देखो शादी वादी होती रहेगी, लेकिन भाई पहले व्यू इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बाकी काम होता रहेगा, लेकिन भाई इन्जॉयमेंट इम्पोर्टेंट है, तो भाई पहले प्रायोरिटी अच्छी दी भाई ने, तो अप्रिशिएट। फुल कैमरा वैमरा लगा के भाई, आप अगर बोलोगे ना इस कमेंट के सेक्शन में इस वीडियो में, तो मैं इसका राइड जरूर लूंगा, इसका एक अलग से प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगा। और कमेंट में बताना बस कि हाँ बनाना चाहिए कि नहीं। वो तो कहाँ तक ले गया, दिख भी नहीं था भाई, अब तो दिख रहा है पूरा, वो जा रहा, बताना गाइस, आई विल ट्राई। सो गाइस, अगर आप मेरे को कमेंट करके बोलोगे ना, आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस वन, सो कमेंट कर दो बस फटाफट से। तो मैंने दिखाया ना राम की पैड़ी 8 किलोमीटर है यहाँ से, तो ये सीधा रोड गई आपकी, सीधा राम की पैड़ी। और देखो गुप्ता घाट में अभी एक वो अपडेट हुआ है, एक ये भी अपडेट हो रही है, एक यहाँ पे ना क्रूज बन रही है, तो अभी प्रॉपर रेडी हुई नहीं है इतना, बस ऊपर का मॉड्यूल है एक तरीके से, जो प्रॉपर अगर बन रहा है वो अंदर है, वो दिखा नहीं सकते आपको। सो लेट्स गो। नई वाली बोट जाने के चक्कर में इन सब का काम तो भाई ठप हो गया, तो वैसी चल रही है तो वैसी चल रही है बस। सो गाइस प्रॉपर आरती के लिए इन्होंने प्रॉपर इक्विपमेंट्स लगाए हैं, देखो जैसे बनारस में आपने देखा होगा आरती के लिए वैसा। ये भी अपडेट है भाई, भुट्टे बहुत ही फेमस है, खाना जरूर ट्राई करना। मेन जो एंट्री वो यहाँ से है, और मेन मंदिर जो है वो गुप्तार घाट का ये मंदिर है, सो यहाँ पे आते लोग दर्शन करने। बाकी आज यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, बाकी ये रहे पहले भी मैंने दिखाया है राम जी को, तो दिखा देता हूँ आपको फिर से, चलते हैं। हाँ मेन मंदिर है भाई ये दोस्तों, ये वही मंदिर है जहाँ पे लास्ट टाइम राम लला जी वैकुंठ के तौर लौटे थे। और इस मंदिर में ना आपको जो भगवान दिखेंगे, देखो भगवान जी के दर्शन करो, मैंने जो देखा यहाँ पे जो भगवान जी थे उनके हाथ में शस्त्र नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे सब उन्होंने त्याग दिए थे, तो ये यहाँ की स्पेशल एक बात है। सो गाइस देखो रात का भी कुछ ऐसा होता है, बढ़िया लाइटिंग वाइटिंग अच्छा पार्क है, आपको जाना चाहिए एक बार, मस्त विजिट भाई। पहली बार ट्राई कर रहे हैं हम लोग यहाँ का उतार गाड़ी का भाई, स्टफिंग देख रहे हो प्रॉपर पनीर वाले। और प्राइस आप जानोगे ना, सुनोगे कितना, 60 अराउंड बोल रहे, चलो ना इतने में आपको इतना बेहतरीन खाना मिलता है। दोस्तों अगर आप गुप्तार घाट आते हो, तो आपको ना यहाँ का जो फेमस है वो पकौड़ी और चाय है, तो आप जरूर ट्राई करना, लेकिन
पहला आज हमने ट्राई करा वो था डोसा, देखा होगा आपने। सो डोसा ट्राई किया, उसमें आपने स्टफिंग भी देखी होगी कितनी मस्त बना रखी थी, मात्र 60 रुपये में, और भाई मज़े आ गया, क्या ही बताऊँ। अच्छा एक्सपीरियंस था, और ऐसे ही ब्लॉग आता रहेगा थोड़ा मस्त जगह। सो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कर दो, कॉमेंट करो, शेयर बता दो, और जगह भी बता दो कहाँ पर आपको चाहिए ब्लॉग। बाकी मिलते हैं जल्दी।